प्रगति सूत्र हमारे सफलता का संपूर्ण दस्तावेज। नमस्कार साथियों, मैं अंजलि कुमारी, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। साथियों तो चलिए बुक को और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं नेटवर्किंग में पिता पुत्र पड़ोसी की अवधारणा। समाज और परिवार रहने वाले लोगों को परिवार के सदस्य, पिता पुत्र पड़ोसी रिश्तेदार का जीवन का सुख आपस में समझदारी से व्यवहार और अच्छे या बुरे संस्कारों से प्रभावित होता है। लोगों के बीच में जरूरी सामंजस्य ही सुखी जीवन की कसौटी है। एक आदर्श जीवन के लिए समाज में हमेशा से पिता पुत्र पड़ोसी संबंधों को कैसे आदर्श रखा जाए समझाया है, और हम भारतीय हमेशा पिता पुत्र पड़ोसी से आदर्श व्यवहार करने की हमेशा कोशिश करते हैं। सुखी जीवन के लिए एक व्यक्ति में मर्यादा, नेतृत्व क्षमता, परिवार के अन्य सदस्यों की मदद करना, कमजोर सदस्यों को आगे लाना, सदस्यों से भेदभाव न करना और एकता का पाठ पढ़ाना आवश्यक है। मुखिया में ये गुण होना सुखी जीवन की गारंटी हो सकते हैं। ठीक इसी तरह नेटवर्किंग व्यवसाय भी सभी काम करने वाले लोगों के लिए सामंजस्य, आपसी व्यवहार, रिश्ते, आदर सम्मान, अच्छे या बुरे काम करने के माहौल से प्रभावित होता है। बैठाना और पिता पुत्र पड़ोसी की अवधारणा को मानकर काम करना सफलता की गारंटी हो सकती है। आचरण कैसा हो? पिता अपलायन, सरल और मृदु व्यवहार हो। दूसरा बिंदु, जीवन में आदेश और सिद्धांत हो। तीसरा बिंदु, सहायता के लिए हरदम तैयार हो। चौथा बिंदु, स्वयं कभी किसी वजह से मदद करने में असमर्थ हो तो वैकल्पिक व्यवस्था बनाकर दे या सुलझाए। पांचवा बिंदु, परंतु सहायता न कर सके कोई बात नहीं, लेकिन उचित समय लेकर फिर सहायता करें। छठा बिंदु, सम्मान के लिए काम करें, सम्मान दे और सम्मान ले। सातवां बिंदु, जबरदस्ती डाउनलाइन पर कुछ भी न थोपे, हमेशा तर्क के साथ प्रणाली को समझाएं। आठवां बिंदु, हमेशा सकारात्मक रहे, नकारात्मक बातें कभी न करें। नौवां बिंदु, कथनी और करने के अंतर को समझे, पहले स्वयं करें फिर करने को कहें। दसवां बिंदु, सिर्फ डाउनलाइन को आगे न बढ़ाते रहें, स्वयं भी आगे बढ़े, यदि आप पीछे रह जाएंगे तो सम्मान खो देंगे। ग्यारहवां बिंदु, प्रणाली कंपनी अपलाइन टूल्स, किताबें, फंक्शन, वेबसाइट आदि के बारे में पूर्ण जानकारी रखें। बारहवां बिंदु, डाउनलाइन को अपनी बपौती ना समझें। तेरहवां बिंदु, कभी एक दूसरे से डाउनलाइन की बुराई ना करें, आपकी डाउनलाइन ही आगे चलकर सफलता के पायदान चढ़कर डायमंड बनेगी। आप स्वयं विचार करें, डाउनलाइन की बुराई करके तो उसका व्यवसाय समय के पहले ही खत्म हो जाएगा। चौदह बिंदु, ध्यान रखें डाउनलाइन की गलतियों को अकेले में बताएं। डाउनलाइन की समूह के बीच में कभी भी गलतियों की बात ना करें। पंद्रहवां बिंदु, हमेशा अपने डाउनलाइन की प्रशंसा कीजिए, उनकी छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए प्रशंसा करें। सोलहवां बिंदु, अपनी टीम डाउनलाइन का उत्साह हमेशा ऊंचा रखें। सत्रहवां बिंदु, सम्मान तथा विश्वास की मांग ना करें, इसे ईमानदारी से कार्य करके ही हासिल करें। अठारहवां बिंदु, डाउनलाइन से हुई कोई गलती, गलत फहमी, शंका आदि बातों अकेले में करें। लोगों के बीच में कभी भी डाउनलाइन को नीचा ना दिखाएं। उन्नीसवां बिंदु, अच्छे संस्कार, आचार, विचार और सिद्धांतों को अपनी टीम में डालें, इसके लिए जितने ज़्यादा
प्रयास आप कर सकते हैं, करें। अस्थाई सफलता के लिए यह बहुत जरूरी है। साथियों, पिता यानी कि अपलाइन, उनके आचरण के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। चलिए अब जानते हैं पुत्र यानी कि डाउनलाइन के आचरण के बारे में। कैसा हो आचरण, कैसा हो पुत्र यानी कि डाउनलाइन का। इसका है पहला बिंदु, अपनी सभी अपलाइन का सम्मान करें, उनकी तारीफ करें। दूसरा बिंदु, अपनी डाउनलाइन की आमदनी पर कोई टिप्पणी ना करें। तीसरा बिंदु, एक्टिव व सक्सेसफुल अपलाइन के संपर्क में रहें। चौथा बिंदु, अपने अपलाइन की बातों को ध्यान से सुनें, सुनने की कला सीखें। पांचवा बिंदु, ध्यान रखें जब अपलाइन के साथ रहें उनसे सीखें, उन्हें सिखाने की कोशिश ना करें। छठा बिंदु, सिर्फ समस्या के लिए ही अपलाइन को ना ढूंढें। सातवां बिंदु, अपलाइन को विवादों में भी ना डालें। आठवां बिंदु, अपलाइन की बातों को ना काटें। नौवां बिंदु, अपनी अपलाइन के लिए किसी दूसरे के द्वारा होने वाली टीका टिप्पणियों को सिरे से खारिज कर दें। दसवां बिंदु, अपलाइन आलोचना ना करें। ग्यारहवां बिंदु, यदि आपको अपलाइन की बात रास नहीं आती तो इसका स्पष्टीकरण अपलाइन से ही मांगे, किसी अन्य से नहीं। बारहवां बिंदु, लोगों के बीच में अपलाइन को ललकारना आपकी सबसे बड़ी हार है, कभी ऐसा ना करें। तेरहवां बिंदु, हमेशा अपनी अपलाइन से अपने काम की प्रगति आदि के बारे में समय समय पर सलाह मशवरा करते रहें। चौदहवां बिंदु, यदि आपकी अपलाइन आपकी मदद करने में सक्षम है तो उनसे मदद लेते रहें, जब तक बहुत जरूरी ना हो किसी दूसरे अपलाइन के पास ना जाएं। पंद्रहवां बिंदु, आपकी अपलाइन का यदि आपके व्यवसाय में रुचि नहीं हो तो आपके द्वारा हो रही गलतियों को तलाशें और दूर करें। आपके अपलाइन आपके व्यवसाय में रुचि ले, इसमें आपकी सफलता छुपी है। अपने सद्व्यवहार और दमदार प्रमोशन से आपके अपलाइन को आपके बिजनेस में रुचि लेने के लिए मजबूर करें। सोलहवां बिंदु, अपलाइन का साथ मिलना और अपलाइन के साथ रहना हमेशा अच्छा है। सत्रहवां बिंदु, आपके व्यवहार से यह साफ तौर पर नजर आना चाहिए कि आपकी अब तक की सफलता आपकी अपलाइन द्वारा सिखाई बातों की वजह से है। अठारहवां बिंदु, अपलाइन से अच्छे संबंध और व्यवहार बनाए रखें, उनके प्रति कृतज्ञ रहें। उन्नीसवां बिंदु, अपलाइन पर संदेह न करें और यदि संदेह है तब भी इसे छुपाने में ही भलाई है। बीसवां बिंदु, एक अच्छे डाउनलाइन बने, अपलाइन हमेशा आपके बारे में बात करें कि डाउनलाइन हो तो आपके जैसा। आचरण कैसा हो पड़ोसी यानी कि क्रॉस लाइन। चलिए साथियों, तो क्रॉस लाइन के बारे में बात करते हैं। जब आप इस व्यवसाय में जुड़ते हैं तब ऐसे बहुत से लोग आपके आसपास होंगे जो ना तो आपकी अपलाइन में होंगे और ना ही आपकी टीम अर्थात डाउनलाइन में होंगे। एक नेटवर्क को अपने इस ब्रदर लाइन के साथ कैसे सफलतापूर्वक काम करना है सीखना अपरिहार्य हो जाता है। पहला बिंदु है क्रॉस लाइन का सम्मान करें। दूसरा बिंदु है क्रॉस लाइन के साथ अपने हमेशा अच्छा व्यवहार रखें, यदि आपकी वो क्रॉस लाइन है तो आप भी तो उनकी क्रॉस लाइन हैं। दोनों एक दूसरे के साथ सम्मान से रहें, इसी में भलाई है। तीसरा बिंदु, कॉमन प्लेटफॉर्म पर क्रॉस लाइन के साथ काम करने का हुनर सीखें। चौथा बिंदु, जाने कि जब तक आप इस व्यवसाय में हैं तब तक क्रॉस लाइन है। पांचवा बिंदु, क्रॉस लाइन पर टीका टिप्पणियां ना करें और ना ही क्रॉस लाइन से होने वाली टीका टिप्पणियां का अपने ऊपर असर होने दें। छठा बिंदु, कभी भी क्रॉस लाइन के प्रोस्पेक्ट को अपनी तरफ ना खींचें। सातवां बिंदु,
क्रॉस लाइन के प्रोस्पेक्ट को अपनी तरफ खींचना एक तरह से चोरी है। इसे कभी ना करें, ऐसा करके आप अपना सम्मान हमेशा के लिए खो देंगे। सातवां बिंदु, क्रॉस लाइन के एक उचित दूरी हमेशा बनाए रखें। आठवां बिंदु, एक दूसरे का आदर सम्मान हमेशा करें। नौवां बिंदु, क्रॉस लाइन के साथ व्यवसाय शेयर जानकारी ना करें, अपलाइन से सीखे और डाउनलाइन को सिखाएं। दसवां बिंदु, क्रॉस लाइन से कंपनी अपलाइन प्रणाली टूल्स आदि आलोचना कभी ना करें और ना ही आलोचना सुनने में समय खराब करें। जब ऐसा हो वहां से किनारा करें। ग्यारहवां बिंदु, एक अच्छी क्रॉस लाइन बनकर एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें। टूल्स, अपलाइन रोल क्या करें क्या ना करें। पहला बिंदु है, प्रणाली में प्रचलित टूल्स की जानकारी बराबर अपने पास रखें। इसके लिए प्रणाली की वेबसाइट को विजिट करते रहें। दूसरा बिंदु, स्वयं इस्तेमाल करें फिर डाउनलाइन को प्रमोट करें। तीसरा बिंदु, टूल्स बेचने वाले ना बने, डाउनलाइन को तर्क से समझाएं कोई टूल्स क्यों लेना लाभदायक होगा। चौथा बिंदु, टूल्स लेने के लिए कोई जोर जबरदस्ती ना करें, डाउनलाइन के टूल्स न लेने पर भी प्रेम और सम्मान से पेश आए। पांचवा बिंदु, डाउनलाइन के टूल्स न लेने पर नाराज ना हो, लेने का कारण समझे। कई बार आर्थिक तंगी की वजह से आपकी डाउनलाइन टूल्स लेने में असमर्थ हो सकते हैं। छठा बिंदु, सिर्फ टूल्स लेने के लिए प्रेरित करें। सातवां बिंदु, दुकानदारी ना करें, पैसे का हिसाब साफ सुथरा रखें, संभव हो तो पैसे के लेन देन से बचें। आठवां बिंदु, एक बार अच्छे से जरूर समझें कि बगैर आपकी मदद के भी उनके घर तक टूल्स मंगाए जा सकते हैं, रास्ता बना कर दे। नौवां बिंदु, डाउनलाइन को टूल्स मंगवाने और ऑर्डर करने में सक्षम बनाएं। दसवां बिंदु, आपके हस्तक्षेप के बगैर आपके लोग टूल्स मंगवाते रहें और सीखते रहें, इसी में आपकी सफलता है। ग्यारहवां बिंदु, जरूरत पड़ने पर आम सहमति से अपने ग्रुप के लिए टूल्स ऑर्डर करने के लिए रणनीति बनाएं। उसके लिए ग्रुप लीडर को मार्गदर्शन और सहयोग करें। डाउनलाइन रोल क्या करें क्या ना करें। पहला बिंदु, प्रणाली में प्रचलित टूल्स का सम्मान करें, उनसे सीखें और अपनी टीम में भी प्रमोट करें। दूसरा बिंदु, कभी भी टूल्स का उधार ना मांगें, स्वयं खरीदकर इस्तेमाल में लाएं, पैसे का लेन देन साफ सुथरा रखें। तीसरा बिंदु, कोई अपलाइन आपको टूल्स के लिए आर्थिक मदद करेगी यह अपेक्षा ना रखें, आपके निराशा की ही आपको निराशा ही हाथ लगेगी। यह इस व्यवसाय का उसूल है, यदि आप अपनी अपलाइन से आर्थिक मदद की अपेक्षा रखते हो तो आप भी अपने डाउनलाइन की इसी तरह मदद करने को तैयार रहो। चौथा बिंदु, आत्मनिर्भर बने, स्वयं ऑर्डर करें और घर बैठे टूल्स मंगवाएं, ऐसा ही डाउनलाइन को भी सिखाएं। जरूरत हो तो अपलाइन से मार्गदर्शन और सहयोग मांगे। पांचवा बिंदु, प्रचलित टूल्स की बुराई ना करें, कीमत क्वालिटी आदि के बारे में बिना वजह टिप्पणियां ना करें। वैसे भी टूल्स लेना या ना लेना आपकी मर्जी है, टूल्स लेना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है जब तक आपको इनकी जरूरत महसूस ना हो, यह पूर्णतः वैकल्पिक है। छठा बिंदु, एक टूल्स का अच्छा प्रमोशन तब मांगा जाता है जब आप टूल्स के अंदर की बातों को पढ़कर, सुनकर, देखकर आपका क्या फायदा हुआ है यह समझाने में कामयाब होते हैं। आपकी सफलता सिर्फ टूल्स को बेचने और प्रमोट करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें मौजूद तरीकों का इस्तेमाल कर अपना और अपने डाउनलाइन का ज्ञान बढ़ाने में
निहित है। सातवां बिंदु, टूल्स के प्रमोशन के साथ साथ आपको स्वयं टूल्स से क्या क्या व्यक्तिगत फायदे हुए हैं इसका जिक्र बार बार सच्चाई से करना चाहिए। सेमिनार, फंक्शन, समारोह, अपलाइन रोल क्या करें क्या ना करें। पहला बिंदु, क्या आपको सेमिनार फंक्शन समारोह की ताकत का अंदाजा है? पूरा व्यवसाय समारोह फंक्शन पर टिका है। दूसरा बिंदु, क्या आपका फंक्शन को प्रमोट करते हैं? क्या आप फंक्शन को प्रमोट करते हैं? तीसरा बिंदु, हर फंक्शन को अपनी सफलता की सीढ़ी के रूप में देखें। लगातार प्रणाली में आयोजित होने वाली समारोह में शामिल होते रहें। चौथा बिंदु, डाउनलाइन को समय पर आयोजित होने वाले समारोह की जानकारी दें। पांचवा बिंदु, डाउनलाइन को समारोह में शामिल होने पर क्या फायदा हो सकता है विस्तार से समझाएं, पीछे ना पड़े, स्वयं निर्णय लेने दें, उनकी निर्णय लेने में मदद करें। छठा बिंदु, किसी को पैसे लगाकर प्रायोजित ना करें, पैसे का हिसाब किताब स्वच्छ रखें, जोर जबरदस्ती ना करें। सातवां बिंदु, डाउनलाइन किसी समारोह में शामिल ना हो पाए तो इसका बुरा ना माने, आर्थिक तंगी या कोई और जरूरी कारण भी हो सकता है। डाउनलाइन के समारोह में शामिल ना होने पर कभी भी इस बात को लेकर नीचा ना दिखाएं, डांट ना लगाएं। आठवां बिंदु, फंक्शन के बाद कहीं आप फंक्शन की मीन मेघ और खामियां या आलोचना तो नहीं करते, ऐसा कभी न करें। नौवां बिंदु, आप फंक्शन में हमेशा समय के पहले पहुंचे और सबसे बाद में वापस आए, इसमें बहुत बड़ी सफलता है। दसवां बिंदु, समारोह में अपना व्यवहार जोशपूर्ण मगर संयम रखें। ग्यारहवां बिंदु, डाउनलाइन की मदद करें, उसके साथ रहें, इसके साथ इनके साथ बैठें। बारहवां बिंदु, हर फंक्शन में पहले अपनी डाउनलाइन की लिस्ट बनवाएं और सभी को प्रमोट करें, एक एक का ध्यान करें, कोई छूट न जाए। तेरहवां बिंदु, सिर्फ फंक्शन ही ना अटेंड करते रहें, हर फंक्शन में अपना लेवल बढ़ाते रहें, शायद आपकी हर डाउनलाइन हर बार आपको एक नए लेवल पर देखना चाहती है, उन्हें निराश ना करें। चौदहवां बिंदु, याद रखें, आपको सम्मान सिर्फ एक ही बात से मिलता है कि आप लेवल बदलते रहें, यही ज्यादा दिन तक, यदि ज्यादा दिन तक एक लेवल पर रहेंगे तो लोग सम्मान देना छोड़ देंगे। पंद्रहवां बिंदु, याद रखें, फंक्शन में आपको लेवल बढ़ने पर आपकी डाउनलाइन सबसे ज्यादा खुश होती है और प्रेरित भी। हर फंक्शन में आपने अपने लेवल को बढ़ाने पर ध्यान रखें। सोलहवां बिंदु, डाउनलाइन को बिना वजह सम्मान ना दे जब तक वह उस लेवल पर ना पहुंच जाए। रिकॉग्निशन में हेर फेर ना करें, जिस लेवल पर आपकी डाउनलाइन है उसी के लिए कटिबद्ध रहिए। झूठी रिकॉग्निशन के विवादों से स्वयं को हमेशा अलग रखें। सत्रहवां बिंदु, कभी डाउनलाइन के साथ फंक्शन में पश्चाताप ना करें। डाउनलाइन रोल क्या करे क्या ना करे। पहला बिंदु, हमेशा अपलाइन के संपर्क में रहे और आयोजित होने वाले फंक्शन की जानकारी लेते रहे और अपनी टीम में भी देते रहे। दूसरा बिंदु, फंक्शन को लेकर हमेशा उत्साहित रहे। तीसरा बिंदु, हर बार जब आप किसी फंक्शन से कुछ सीखे उनकी चर्चा बार बार डाउनलाइन से करते रहें। चौथा बिंदु, अपलाइन से बिना वजह रिकॉग्निशन लेवल को लेकर दबाव न बनाएं, अपने ऊपर और प्रणाली पर भरोसा रखें। पांचवा बिंदु, अपलाइन से पैसे के लेकर लेन देन को लेकर कोई झंझट ना करें, विवादों से बचें। छठा बिंदु, सकारात्मक रहें, अपलाइन की बातों को सुने, उनका अनुसरण करें, गंभीरता से फंक्शन अटेंड करें। आठवां बिंदु,
फंक्शन में खुसर फुसर आलोचना बुराइयां ना निकाले। नौवां बिंदु, अपलाइन के साथ रहे, उनका सम्मान करें, अपनी टीम के सदस्यों को अपलाइन से मिलवाएं। दसवां बिंदु, अपलाइन को सम्मान दें। ग्यारहवां बिंदु, जरूरत पड़ने पर अपलाइन के द्वारा बताए कार्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पूरा करें, अपलाइन के भरोसे को ना तोड़ें। ग्यारहवां बिंदु, समय के पाबंद बने, फंक्शन में समय के पहले पहुँचे और सबसे बाद में जाएं। जीत हो या हार, आप ही जिम्मेदार, आपकी सफलता और असफलता के जिम्मेदार आप ही हैं। व्यवसाय से जुड़ने का निर्णय किसी प्रलोभन या दबाव में आकर ना करें। यदि आवश्यक हो तो परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से सलाह कर कार्य शुरू करना हमेशा सही होगा। यदि आप शादीशुदा हैं तो पत्नी से सलाह मशवरा अवश्य करें। पत्नी का भी सहयोग व्यवसाय को करने के लिए लेते रहें। व्यवसाय और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच सामंजस्य बढ़ाएं। बाहर की दुनिया में लोगों को समझाने से पहले अपने घर के ही लोगों को अच्छी तरह समझाकर समर्थन हासिल करें। सफलता पूर्वक समझाने की कैसे यह व्यवसाय परिवार के हर सदस्यों को उन्नति दिला सकता है। किताबें पढ़ने के फायदे। किताब पढ़ने से आप हमेशा सकारात्मक रहेंगे, इस व्यवसाय में बने रहेंगे और सफलता के लिए सकारात्मक रहना जरूरी है। पहला बिंदु, आप आत्मनिर्भर बनेंगे। दूसरा बिंदु, आप हमेशा जोश और उत्साह के से कार्य करेंगे और महत्वाकांक्षी बनेंगे। तीसरा बिंदु, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। हर किताब आप में एक अद्भुतपूर्ण ऊर्जा का संचार करेगी। चौथा बिंदु, सफलता के लिए सबसे जरूरी बात, आपका नजरिया बढ़ेगा। पांचवा बिंदु, आपकी कमजोरियां दूर होंगी। छठा बिंदु, आप में जीत के लिए जरूरी गुणों का विकास होगा। सातवां बिंदु, आपका पूरा व्यक्तित्व और जीवन ही बदल जाएगा। आठवां बिंदु, आपकी सोच बहुत बढ़ जाएगी। ऊपर दी गई किताबों की सूची तो एक छोटा सा विकल्प है। आप अपने प्रयासों से और भी किताबों की खोज कर सकते हैं। इसके लिए अपलाइन से पूछें, कंप्यूटर इंटरनेट पर सर्च करें, दुकानों पर जाएं। जिस तरह शरीर को स्वस्थ रहने के लिए अच्छा भोजन जरूरी है, ठीक उसी तरह अच्छा और सफल दिमाग बनाने के लिए अच्छी किताब पढ़ना जरूरी है। सिर्फ एक किताब आपका पूरा जीवन हमेशा के लिए बदल सकती है। सफल नेटवर्क बनाने के लिए किताब पढ़ना अत्यंत जरूरी है। किताब पढ़ने की आदत डालें। किताब खरीद कर ही पढ़े। किताबों को पढ़ते हुए साथ ही साथ अच्छी बातों को नोट भी करते रहें। हमने मुंह मियां मिठू ना बने। जो किताब से सीखे हैं उसके लिए उन किताब और लेखन को क्रेडिट देना सीखे। किताब पढ़ पढ़ कर सेखिया ना बघाए, बड बोले ना बने। और किताबें पढ़ के ज्ञानी पंडित जैसा व्यवहार अपने ग्रुप के लोगों के साथ ना करें। लोग आपसे कटने लगेंगे। जरूरत पड़ने पर अपनी बातों में किताबों से नोट की हुई बातों का जिक्र करें। श्रोता को बता भी दे कि आप अपनी बातों को कहां से नोट कर रहे हैं। लोग आपकी इस आदत को बहुत पसंद करेंगे। लोगों से काम करवाने में किताबों और किताबों की बातों को थर्ड पार्टी बनाएं।